दोस्तों नमस्ते। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत बंगाल के नवाब को देखेंगे। भारत के इतिहास को हम क्रमबद्ध रूप से आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं बंगाल के नवाब को। मुर्शीद कुली खां जो था बंगाल का प्रथम नवाब था 1713 से 1727 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन जो था वह 1727 से 1739 ईस्वी बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की जो पुत्री थी अमीना बेगम, उसका पुत्र हुआ सिराजुद्दौला, वह 1756 से 1757 में बंगाल का नवाब बना। उसके बाद मीर जाफर हुआ प्रथम बार 1757 से 1760 ईस्वी, और फिर इसके बाद मीर कासिम हुआ था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। इसके बाद द्वितीय वारिया 1763 से 1765 ईस्वी में मीर जाफर दूसरी बार बंगाल का नवाब बना। इसके बाद निजामुद्दौला बना 1765 से 1766 और सैफुद्दौला बना 1766 से 1770 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, शुजाउद्दीन और ये जो है सिराजुद्दौला, इस दोनों में कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला के बारे में पूछता है। ये सिराजुद्दौला इसके समय में प्रसिद्ध, जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वह सिराजुद्दौला के ही समय में हुआ था। तो इसको स्मरण में रखना है कि शुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला में कन्फ्यूज ना हो पाए। तो सिराजुद्दौला जो है सिर के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, सिर के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था न, ये सूज अलग है, सूजी, इसको सूजी को अलग कर दें, सूजी यानी कि शुजाउद्दीन और ये सिर है। ठीक है, अब मुर्शीद कुली खां को थोड़ा देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां जो था वह 1713 से 1727 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना था। तो परीक्षा में पूछता है कि बंगाल के संस्थापक कौन था, तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था वह औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान तथा मुर्शिदाबाद का वह फौजदार था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। इसके समय में 3 विद्रोह हुए थे, उसे थोड़ा देख लें। सीताराम राय उदय नारायण तथा गुलाम मोहम्मद का विद्रोह हुआ था, सुजात खां का विद्रोह हुआ था और नजात खां का विद्रोह हुआ था। मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना था 1727 से 1739 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां का वह दामाद था जो शुजाउद्दीन था। इसके बाद सरफराज खां बना 1739 से 1740 ईस्वी, शुजाउद्दीन का वह पुत्र था। सरफराज खां 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। इसके बाद अलीवर्दी खां हुआ 1740 से 1756 ईस्वी। अलीवर्दी खां जो था हुआ 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां को घेरिया के युद्ध में परास्त कर बंगाल की सूबेदारी प्राप्त कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब बन गया था, क्योंकि वह बिहार का पहले से सूबेदार था हुआ। तो अलीवर्दी खां के समय कौन सा युद्ध हुआ था, घेरिया का युद्ध, कब हुआ था, 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में इसने जो अलीवर्दी खां था कहा था कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। इसके बाद सिराजुद्दौला बना 1756 से 1757 ईस्वी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना था। सिराजुद्दौला के समय में ही प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मीर जाफर। मीर जाफर जो है 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी बंगाल का नवाब बना था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बैठा। इसके राज्य में बांटो और राजकरों की नीति का सूत्रपात हुआ था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब हुआ था कौन, मीर कासिम बना था 1760 से 1763 ईस्वी। राजधानी को क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को हस्तांतरित कर दिया था, क्योंकि मुंगेर में अंग्रेज का हस्तक्षेप कम होता, क्योंकि बंगाल से जो था मुंगेर वह दूर था और मुर्शिदाबाद जो था खड़यंत्र का भी केंद्र था। इसके बाद फिर से मीर जाफर बना गद्दी पर, बंगाल का नवाब बना था 1763 से 1765 ईस्वी। पुनः यह बंगाल का इसे नवाब बनाया गया और बक्सर का जो युद्ध हुआ इसके समय में हुआ था, मीर जाफर के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। यह बक्सर का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। धन्यवाद, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।